हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने किचन के काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें डेली रूटीन में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारी जो किचन है या किचन का जो काउंटर टॉप है, आज मेनली मैं मेन जो काउंटर टॉप है उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो काउंटर टॉप जो है वो हमेशा आपका नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा। तो चलिए मैं आप शुरुआत करते हैं कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये मेरा स्टोव है। सबसे पहला ध्यान हमने यही रखना है, जब भी हम कुछ भी करते हैं किचन में तो हमारा स्टोव जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ऑलवेज इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ये, अगर आपको किचन को नीट एंड क्लीन रखना है तो ये देखिए, इस तरह के जो स्पॉन्ज होते हैं मैं ये रखती हूँ अपनी किचन में और इसी को यूज़ करती हूँ ऑलवेज़ किचन को क्लीन करने के लिए। तो ध्यान रखें कि इसको अच्छे से क्लीन करें। अगर आप अच्छे से क्लीन करेंगे तो कभी भी आपको इस पर जो भी दाग वगैरह लगते हैं वो नहीं लगेंगे। और कुछ भी आपको कभी भी इसको डीप क्लीन करना है या कुछ यूज़ करना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस ऐसा हो भी जाता है आपके साथ तो आपने क्या करना है कि जो हमारा सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है वो, और खाने वाला सोडा सोडे के साथ आपने थोड़ा सा लेना है वाइट विनीगर, उसको इसके ऊपर डाल दीजिए और अच्छे से रब करिए। बट मैं यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन क्लीनर्स, जो भी किचन में जो 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 एप्लीकेशंस होती हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट देखिए, हमारी सिंक जो है वो हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं या फिर वॉश करने के बाद किचन की जो सिंक है उसको आप अच्छे से क्लीन करिए। अगर आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो ये हमेशा एक तो हाइजीनिक रहेगी, ठीक है, और दूसरा कोई भी किसी भी तरह की स्मेल वगैरह नहीं आएगी और अच्छी जो नीट एंड क्लीन चीज़ें होती है वो देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो उसको हमेशा आप क्लीन रखिए। और साथ में जैसे ही आप काम कर लेते हैं तो पानी का हमेशा ध्यान रखिए कि किचन हमेशा ड्राई रहे, तो उस एरिया को हमेशा वाइप आउट कर दीजिएगा जिससे कि वो क्लीन रहेगी और ड्राई भी रहेगी। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और किचन आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जब भी आप हैंड क्लीन कुछ भी काम करते हैं किचन में तो अपने हैंड को क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए किचन में एक हैंड वॉश जरूर रखें और साथ के साथ जब भी काम करें हैंड वॉश करें और टॉवल से साफ़ करें। नेक्स्ट जो है वो देखिए, ये जो भी हमारी चीज़ें किचन में रखी रहती हैं उसका जो एरिया है, नीचे का एरिया है, हिडन एरिया जो है ना, वो छिपा रहता है, उसको हम डेली क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आपको टाइम लगे उसको हटा करके और अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि ये धूल डस्ट जो होती है ये भी हमारे खाने में जाती है, ठीक है। ये हमें दिखती नहीं है बट फिर भी ये कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, उसको जब भी दो दिन में, तीन दिन में, जब भी आपको टाइम लगे, टाइम टू टाइम रूटीनली उसको क्लीन करना है। ये देखिए, जैसे ये कॉर्नर स्टैंड है इसको मैं हटा देती हूँ, ये तो ईज़िली हट जाता है और इसको मैं लगभग डेली ही क्लीन हो जाता है इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इसको हटा के अच्छे से क्लीन करके वापस रख दी, बस इतना सा है और ये हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। सेम इसी तरह से ये नहीं है कि स्टोव क्लीन कर दिया और नीचे का एरिया हमने नहीं ध्यान दिया, तो नीचे और साइड में जो भी है वो अच्छे से क्लीन कर लें और वॉल जो है कि स्टोव के साथ में जो वॉल है उसको भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। जब भी आपने खाना बनाया है या फिर सबसे बेस्ट टाइम होता है नाइट का, नाइट में जब भी आप काम कर लेते हैं उसके बाद आप एक वाइप बस आपको लगाना है और कभी भी आपको डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए, ये मेरा जो स्विच बोर्ड है ये बिल्कुल ही गंदा हो चुका है। इसको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ थीनर का। आपने करना है, कितना भी गंदा हो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉटन में थोड़ा सा थीनर लेना है और उसको अच्छे से रब कर देना है। एक्चुअली इसका कलर वाइट नहीं है, येल्लो ही हो चुका है। ये वाला देखिए, छोटे वाला देखना आप, कितना गंदा हो चुका है और ये पूरी डस्ट जो है थीनर से निकल जाएगी। तो अच्छे से रब करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ में, बट देखना ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। होता क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको छोड़ देते हैं तो ये अभी गंदगी जो है वो जमा होती रहती है। और फिर ये देखिए, जो इसका बटन जो है वो देखिए कितना गंदा है और
सिर्फ इसी थिनर से मैंने कॉटन में लगाते हुए इसे इसको क्लीन किया है और ये एकदम से नए जैसा हो गया, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अगर ज़्यादा गंदा है तो एक बार करिए और फिर वीक में एक बार फिर टाइम निकाल कर आप इसको क्लीन कर दीजिए। नेक्स्ट जो है डस्टबिन, डस्टबिन का जो कवर होता है वो आप रेगुलरली चेंज करें, और ध्यान रखें कि जब भी डस्टबिन का कवर चेंज करते हैं आप, उसमें कवर के अंदर एक न्यूज़पेपर डाल दें, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है इसमें स्मेल आती रहती है, तो उसके के लिए आप थोड़ा सा इसमें विनीगर डाल सकते हैं जिससे स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए, ये है नाइट का टाइम, नाइट पे जब मैंने खाना बनाया था तो किचन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा जिसमें घी रखती हूँ उसको हमेशा एक कपड़े से क्लीन करके रख देती हूँ, और जो भी चकला बेलन और चिमटा होते हैं उसको हमेशा वॉश करके ही रखती हूँ और काउंटर टॉप को कर देती हूँ अच्छे से क्लीन। इसको इस टाइम पे मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। ये देखिए, पहले आटा मैंने निकाल दिया है, अब पूरे जो स्टोव है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। नाइट का टाइम ऐसा होता है, अगर आपकी क्लीन नीट एंड क्लीन रहेगी, उस किचन आपकी नीट एंड क्लीन रहेगी, जब आप सुबह उठेंगे और किचन में जाएंगे तो एक वैसे ही एक अच्छा अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे नीट एंड क्लीन किचन में काम करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है और इससे हमारी किचन बन जाएगी बिल्कुल क्लीन। कभी भी आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं सच बताऊँ मैं कभी भी ऐसा घिस घिस के साफ़ करने वाली जो चीज़ें होती है ना, कभी नहीं करती हूँ। मेरी किचन हमेशा ऐसे ही नीट एंड क्लीन रहती है। आप देखिए ये काउंटर टॉप पे जो मैंने मेरी मिक्सर रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं हमेशा एक कपड़े से ऐसे कवर करके रखती हूँ। डेली यूज होती हैं ये चीज़ें, और साथ में रखी है वाटर बोतल, एक में ये मेरी बोतल है, एक्चुअली ये दोनों ही मेरी बोतल है, ये वाली भी मेरी बोतल है, ये इसमें मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ और इसमें मैं तीन भर भी पीती हूँ। और ये बच्चों के लिए रखा हुआ है, अभी जैसे थोड़ी ठंड है तो इसमें गर्म पानी करके रख देती हूँ। ये मेरी कैटल है, यहाँ पे ईज़िली पानी गर्म हो जाता है और यूज़ हो जाता है। तो इसके साथ ही मैंने देखिए यहाँ पे एक जो पॉट है वो रखे हैं, और उन पॉट को मैंने यूज़ किया है टिशू को रखने के लिए। तो यहाँ से टिशू जब जरूरत होती है हम टिशू ले लेते हैं और आसानी से यूज़ भी हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं रखा है मैंने ओवन के ऊपर, और ओवन के ऊपर एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें रखते भी नहीं हैं। तो ये बॉटल्स हैं मेरी पानी की, एंड इसके साइड में है कॉर्नर स्टैंड, और कॉर्नर स्टैंड पे मैंने जो जो चीज़ें डेली और हमें एवरी टाइम ही यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट, उन चीज़ों को मैंने इस पर रखा हुआ है। देखिए जैसे सौंफ है, नमक है, और अजवाइन वगैरह या जो भी नमक वगैरह वो सब रखे हैं। पीछे मैंने अचार रखा हुआ है, कुछ टी के जो मग होते हैं वो रखे हैं, उसके ऊपर मैंने एक स्पून स्टैंड रखा है, स्पून को अलग रखा है, और जो भी खाना बनाने वाले बड़े स्पून हैं उनको मैंने अलग रखा हुआ है। तो इसमें मेरा ऑयल है जो कि डेली यूज ही होता है, और पीछे की तरफ मैंने रखा है घी, ठीक है, इसमें मैं यूज़ करती हूँ घी को, जब भी खाना बनाना होता है तो घी इजली वहाँ से ले लेती हूँ, और इसको हमेशा क्लीन करके ही मैं रखती हूँ। जब भी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ तब भी मुझे दिख जाता है कोई चीज़ गंदी, तो मैं एक कपड़े से उसको उस टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। और पीछे उसके उसी घी के नीचे बड़ा बॉक्स रखा है जिसमें मैं घी रखती हूँ, तो ये घी का घी हो गया। देन नीचे की तरफ हनी रखा है और हल्दी रखी है, जो कि हम सुबह में हनी और हल्दी लेते हैं, और ये कुछ भी मुझे कूटना होता है वो रखा हुआ है, और कॉफ़ी रखी है यहाँ पे। तो एक छोटे से कॉर्नर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे एक मैंने किचन की के लिए सीज़र रखी है अलग से, जो कि यहाँ पे हैंग कर रखी है, इस तरह की जो हुक्स आते हैं मार्केट में आप वो लेके इस तरह से लगा सकते हैं। और ऊपर थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया हुआ है, और मिक्सी के जार रखे हुए हैं, और ये देखिए इस तरह से मेरी किचन कुछ दिखती है। तो किचन अच्छी है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, बट ये देखना होता है कि हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर में मेरा जो टी कप है उसका स्टैंड रखा है। ये देखिए ये विंडो है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जरूर चेक करना। और ऑल ओवर लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी किचन जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहने वाली है, और कभी भी आपको इस तरह से डीप क्लीन करना है, उसको
या कि घिस घिस के जैसे होता है ना किचन को क्लीन करते हैं उसमें घंटों लग जाते हैं, ऐसा कभी मौका आएगा ही नहीं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, तो आज ये देखिए ये जो कप मैंने रखे हैं ये एक्स्ट्रा कप हैं, या तो मैंने कभी एक्स्ट्रा गेस्ट हुए तो उनको यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो इस तरह से रखा है मैंने किचन को। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, जिन चीज़ों से हम क्लीनिंग करते हैं जैसे बर्तन साफ़ करने वाला जूना है और ये एक स्पॉन्ज है, इसको 2 दिन में 3 दिन में क्या करना है आपने, बिल्कुल बॉयल वाटर लेना है और उसमें थोड़ी देर के लिए डीप करके रख देना है इस तरह से, और फिर इसको इसी वाटर को निकाल देना है और एक बार और हॉट वाटर डाल के इसको क्लीन करना है आपको अच्छे से, क्योंकि इनमें स्मेल ना आए ताकि इसमें। तो इस तरह से आपने क्लीन करके इनको ड्राई होने के लिए रख देना है, और हमेशा इनको ड्राई ही रखें, जो सोप का रखने का जिसमें हम सोप रखते हैं उसके अंदर ना रख के इनको सेपरेटली क्लीन करके रखें। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।